क्वेश्चन आप देखो 200 ग्राम इसी सवाल का जो है ये सेकंड पार्ट है 7.3 का ही क्या है ये सेकंड पार्ट है 200 ग्राम ऑफ ए लेड शॉट हैविंग ए डेंसिटी 11,300। अब इसका भी हमने क्या मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। तो ये पहले क्या था, आयरन बॉल था, अब आयरन बॉल की जगह क्या है, लेड है। मैस ऑफ अ लेड, उसके बाद डेंसिटी ऑफ ए लेड वो भी हमें प्रोवाइड की हुई है, वॉल्यूम हमने मालूम करना है। मैस ऑफ ए लेड हमारे पास कितना है, 200 ग्राम, तो 200 डिवाइडेड बाय 1000, जीरो से जीरो कैंसिल, सो इट वुड बी द 0.2 किलोग्राम। हाँ बेटा यहाँ तक क्लियर है। अब आगे नेक्स्ट आपके पास क्या है, डेंसिटी ऑफ ए लेड, इट वुड बी प्रोवाइडेड एज डेंसिटी ऑफ अ लेड, वो कितनी थी हुई है 1103 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है बेटे, दोनों चीजें आ गई पहले सवाल की तरह। मैस हमें कितना प्रोवाइड किया हुआ है 0.2, डेंसिटी कितनी है 11,300, इट वुड आल्सो बी द किलोग्राम किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम से किलोग्राम। ये देखो ऑलमोस्ट मैंने कैलकुलेटर को क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 0.00017 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स कितने पॉइंट आगे मूव किया 5 पॉइंट, तो 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10^-5, ये अब जाके आपके पास किस में चेंज हो जाता है मीटर क्यूब पॉजिटिव में, तो ये आपके पास किसका आ गया, वॉल्यूम ऑफ अ लेड। तो 7 क्यों है, कि यहाँ पे आपके पास क्या था 6, क्या था हमारे पास 6, वो फर्दर आगे क्या है 9। मैंने इसको कहाँ तक मूव किया, यहाँ तक, तो ऑलमोस्ट अगर मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ 6 एंड 9, जब मैं इसकी क्या करता हूँ राउंडिंग, तो ये 9 की वजह से 6 किस में कन्वर्ट हो गया 7 में, सो इट वुड आल्सो बी रिटन एज 1.77 मल्टीप्लाइड बाय 10। अ गोल्ड बार ऑफ ए मास 0.2 किलोग्राम, द डेंसिटी ऑफ ए गोल्ड इज 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सो मास ऑफ ए गोल्ड बार कौन सा पार्ट है, ये इसी न्यूमेरिकल का 3 पार्ट है। तो गोल्ड बार का मास कितने है हमारे पास 0.2 किलोग्राम, और डेंसिटी ऑफ ए गोल्ड बार कितनी है हमारे पास 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमने क्या करते हैं, मास आपके पास क्या आ गया 0.2 ग्राम, और ये कितना आ गया 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम किलोग्राम से किलोग्राम कट। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं हम 0.00104 मीटर क्यूब। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है 1, 2, 3, 4, 5, सो इट वुड बी द 1.04 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब का अमूमन बच्चे लगा देते, लेकिन 10 के मल्टीपल में जा रहा है, तो इट वुड बी द -5 मीटर क्यूब, क्या आपका आंसर है। तीनों का फॉर्मेट जो है ना, दो सवाल होगा एक जैसा।